2023 होगा बॉलीवुड का डेब्यू वाला साल। शाहरुख खान की शहजादी सुहाना खान मचाएंगी नए साल में पर्दे पर धमाल। जानवी कपूर की छोटी बहना खुशी कपूर भी रखने वाली है फिल्मी दुनिया में कदम। आमिर के बेटे जुनैद और बिग बी के नाती अगस्त्य नंदा भी करेंगे बॉलीवुड में डेब्यू। जी हाँ, बस चंद हफ्तों का इंतजार और फिर शुरू होगा नया साल। 2023 के शुरू होने में कुछ हफ्ते ही बचे हैं। आने वाला साल बॉलीवुड के लिए भी बेहद खास होने वाला है, क्योंकि नए साल में कई नए चेहरे बॉलीवुड में कदम रखने वाले हैं। खास तौर से कई स्टार किड्स का डेब्यू 2023 में होने वाला है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कौन कौन से हैं वो चेहरे जिनका दीदार 2023 में पर्दे पर पहली बार होगा। शुरुआत करते हैं सुहाना खान के साथ। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की शहजादी के डेब्यू का इंतजार उनके फैंस कई साल से कर रहे हैं और अब ये लंबा इंतजार बस खत्म होने को है। 2023 में सुहाना खान का मच अवेटेड डेब्यू होने जा रहा है। डायरेक्टर जोया अख्तर की फिल्म दारची से सुहाना एक्टिंग डेब्यू करने जा रही हैं। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। दारचीज फेमस कॉमिक बुक आर्चीज का अडॉप्शन है। इस फिल्म में सुहाना खान वेरोनिका के रोल में दिखेंगी। फिल्म से सुहाना का फर्स्ट लुक भी सामने आ चुका है। सुहाना खान के साथ ही खुशी कपूर भी बॉलीवुड में कदम रखेंगी। जी हाँ, दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी की छोटी लाडली खुशी कपूर भी 2023 में डेब्यू करने के लिए ऑल सेट हैं। द आर्चीज में खुशी कपूर सुहाना खान के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करेंगी। खुशी इस फिल्म में बेटी के रोल में दिखेंगी। जोया अख्तर की फिल्म द आर्चीज कई मायने में खास होने वाली है, क्योंकि इस फिल्म से सिर्फ सुहाना और खुशी कपूर ही नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा भी फिल्मों की दुनिया में धमाकेदार एंट्री करेंगे। श्वेता बच्चन अपने बेटे अगस्त्य के एक्टिंग डेब्यू को लेकर काफी सावधानी बरत रही हैं। फिल्म की शूटिंग के दौरान भी श्वेता सेट पर मौजूद रही थी। बिग बी के हैंडसम नाती अगस्त्य इस फिल्म में आर्ची का लीड रोल प्ले कर रहे हैं। अनिल कपूर के परिवार से एक और स्टार किड 2023 में सिल्वर स्क्रीन पर अपनी चमक दिखाएगी और वो है शनाया कपूर। अनिल कपूर के छोटे भाई संजय कपूर और महीप कपूर की बेटी शनाया कपूर करण जौहर की फिल्म बेधड़क से इंडस्ट्री में बेधड़क एंट्री करने जा रही हैं। शनाया अपने बोल्ड और ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर है और जब वो बड़े पर्दे पर आएंगी तो ऑडियंस को कितना पसंद आएंगी ये देखने का इंतजार सभी को है। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के लिए भी साल 2023 काफी अहम होने वाला है, क्योंकि अगले साल आमिर के बेटे जुनैद खान का भी डेब्यू होने जा रहा है। जुनैद खान यशराज बैनर तले बनने जा रही फिल्म महाराजा से फिल्मी दुनिया में कदम रखेंगे। अपनी इस फिल्म के लिए जुनैद ने जबरदस्त मेकओवर किया है। फिल्म में वो एक पत्रकार के रोल में दिखेंगे। फेमस पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा को आपने उनके कई म्यूजिक वीडियोस में देखा होगा, लेकिन साल 2023 में गुरु सिल्वर स्क्रीन पर डेब्यू करेंगे। गुरु रंधावा 2023 में फिल्म कुछ खट्टा हो जाए से डेब्यू करने जा रहे हैं। ये एक फैमिली फिल्म होगी। और हाँ, गुरु रंधावा के अलावा पंजाब की कटरीना कैफ यानी कि शहनाज गिल भी 2023 में करने जा रही है बॉलीवुड में डेब्यू। शहनाज गिल बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान के साथ उनकी फिल्म किसी का भाई किसी की जान में नजर आएंगी।